जयपुर बीजेपी मुख्यालय से खबर आ रही है, जहां पर नमो ऐप कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित नमो ऐप कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में संवाद हुआ और नमो ऐप कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया कि नमो ऐप के माध्यम से जहां एक तरफ प्रधानमंत्री की हर एक गतिविधि के बारे में जानकारी मिलती है, उन्होंने देश के लिए क्या कुछ कार्य किए, क्या कुछ उपलब्धियां केंद्र सरकार की रही, और नमो ऐप के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो नमो ऐप को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या किस तरीके से बढ़ाई जाए नमो ऐप के माध्यम से, चूँकि देश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना ये लक्ष्य बीजेपी का रहा है। और नमो ऐप से पहले ही बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, लोगों के फ़ोन्स में नमो ऐप डाउनलोडेड है, लेकिन अब और इस संख्या को बढ़ाया जाए, युवाओं के बीच इस तरीके का संदेश पहुंचाया जाए कि नमो ऐप डाउनलोड करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह। आज की इस कार्यशाला में सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रमुख लोगों को इसका तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये नमो ऐप को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई। अब बीजेपी में हर दिन इन दिनों में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, और चूंकि बीजेपी जानी जाती है अपने अनुशासन के लिए, अपने कार्य करने के तरीकों के लिए, तो बीजेपी में एक तरफ जहां ग्रास लेवल पर रैलियों के माध्यम से लोगों में चाहे प्रचार वाहन भेजने की बात हो, इस तरफ तो कार्य हो ही रहा है, लेकिन डिजिटली भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव रहती आई है। और आज नमो ऐप को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को सुना। उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा, उन्हें भी अब जो तमाम पदाधिकारी हैं वो फॉलो करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा युवा नमो ऐप से जुड़ें, इसके लिए भी अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कार्य करते हुए नजर आएंगे। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं। लाल सिंह, आज नमो ऐप कार्यशाला का आयोजन हुआ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में, और क्या कुछ खास रहा इस कार्यशाला में आज? लगातार लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, और मकसद यही है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। इसके लिए खासकर नमो के जरिए युवाओं को जोड़ने की मुहिम है, नव मतदाताओं को जोड़ने की मुहिम है। लगातार पार्टी इस ऐप को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम पार्टी की ओर से चलाए जा रहे हैं, और आगे जैसी राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में तय हुआ है कि आगामी दिनों में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कई काम चलाए जाएंगे, वो तमाम वर्गों को ध्यान में रखकर होंगे। गाँव को विशेष फोकस किया गया है, युवाओं को फोकस किया जा रहा है, गरीबों को फोकस किया जा रहा है, महिलाओं और किसानों को फोकस किया जा रहा है। इन वर्गों को ध्यान में रखकर नमनी तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नमो ऐप के जरिए जो तमाम काम कार्यक्रम जो सरकार के होते हैं, वो युवाओं तक पहुँचाए जा रहे हैं, चार से रिसूट जोड़ा जा रहा है। खासकर इस ऐप के जरिए जो आपने जैसा कहा है, ठीक कहा कि युवाओं को अधिक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि नए यूथ जो कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं, खासकर पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हैं, तो उनको अधिक से अधिक कैसे जोड़ा जाए और पार्टी का जनाधार और कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर कार्यशाला हो रही है। और साथ ही आने वाले दिनों में जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर भी कार्यशालाओं का आयोजन, नमो ऐप की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज जयपुर बीजेपी मुख्यालय में सीपी जोशी की अध्यक्षता में नमो ऐप को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।